बड़ी खबर से जो कि खंडवा से आ रही है, आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान। अरुण यादव ने एमपी को बताया बेलगाम प्रदेश, भाजपा सरकार पर भी लगाया आरोप। मंधाता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे अरुण यादव। आपको बता दें खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है प्रदेश की जो सरकार है वह बेलगाम है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए यहां पर अरुण यादव दिखाई दिए। तो खबर खंडवा से आपको बता रहे हैं जहां पर मंधाता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर अरुण यादव थे, उन्होंने प्रदेश की सरकार को बताया बेलगाम और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ये प्रदेश बेलगाम प्रदेश हो गया है, शासन प्रशासन के नाम पर शून्य है मध्य प्रदेश और कई मामलों में देश में अव्वल मध्य प्रदेश हो गया है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हमारी बहन बेटियां किसी देश में है प्रदेश में तो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश है। ये प्रदेश महाघोटालों का प्रदेश हो गया। आपने व्यापम वन देखा, आपने व्यापम टू देखा, व्यापम थ्री आपने देख लिया, पटवारी भर्ती महाघोटाला आपके सामने है जो 15 दिन पहले हमने उठाया था। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास पुंडरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी आपका बहुत स्वागत है एनएस 24/7 में। अरुण यादव के बयान को कैसे देखेंगे आप यहां पर? उन्होंने कहा है कि प्रदेश जो है बेलगाम हो चुका है, इस बयान के क्या माने देखे जाए विकास जी? देखिए अरुण यादव जी का बयान कोरी कल्पना है और एक कोरी राजनीति है, गंभीर राजनीति का द्योतक नहीं है उनका बयान। बिना किसी साक्ष्य के इस तरह के जनता में भ्रम पैदा करने वाले बयान देने से कांग्रेस की और अरुण यादव जी की व्यक्तिगत तौर पर राजनीति चमकेगी नहीं। देखिए नंबर एक, उन्होंने व्यापम वन कहा, व्यापम टू कहा। व्यापम के मामले में हम सबको पता है कांग्रेस कोर्ट भी गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके और विशेष करके मुख्यमंत्री को लेके इन्होंने आरोप लगाए, कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने इनकी प्लीज को खारिज किया। हाल में भी जो पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला आया है उसमें अगर कोई संदेह की बात निकल के आई तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं जांच के आदेश दिए हैं, हाईकोर्ट जज के मार्फत जांच की जा रही है और इस मामले में विकास जी जांचें तो बहुत हुई हैं। हर अब देखिए व्यापम में सीबीआई उठाई गई थी, उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। एक के बाद एक लगातार तीन घोटाले को आरोप आप पर लगाया जा रहा है, आपकी सरकार पर लगाया जा रहा है। चुनावी साल है, इन बयानबाजियों से इन गड़बड़ियों से सरकार को या बीजेपी को कितना नुकसान होगा आगे आने वाले चुनाव में विकास जी? ना नुकसान पहले हुआ है क्योंकि पूर्व के चुनावों के पहले भी कांग्रेस ने इस ढंग के आरोप लगाए थे, अब फिर लगा रहे हैं ना अब होगा। देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार तो घोटालों का प्रदेश बनने से हमेशा मध्य प्रदेश को बचाती रही है। अगर कांग्रेस के पास के 15 महीने हम देखें तो वो घोटालेबाजी के थे जिसमें आपको कैश लिंकेज मिलता था, स्पष्ट मिलता था, छापे पड़े कमलनाथ जी से जुड़े लोगों के यहाँ कैश की बरामदगी हुई, जो ट्रांसफर उद्योग के कारण हुआ हो, ठेकों के कारण हुआ हो, हर तरह से हुआ हो। मैं आपको बता रहा था जो हाल का विषय था जो पटवारी परीक्षा का, उसमें ये लोग गए थे ना, इनके लोग गए थे हाईकोर्ट तक गए थे, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए उन मामलों को। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस एंगल से जांच की बात रखी वो जांच हो रही है और अगर इस मामले में अगर कोई भी कल्प्रिट है, देखिए प्रशासनिक करप्शन हो सकता है, उसके ऊपर पार भी हमेशा शिवराज जी की सरकार की राजनीतिक शक्ति से ही हमें मिला है। तो इस तरह से शिवराज सरकार के राजनीतिक कदम और राजनीतिक निर्णयों से हमने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम तक लगाई है और कांग्रेस तो उसमें राजनीतिक रूप से शामिल हो जाती थी। मतलब विकास जी आपका कहना यह है कि अरुण यादव के इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं या पटवारी भर्ती या व्यापम का नाम लिया जा रहा है, इस तरह के बयानबाजियों से 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये कहना आपका है? तो दूसरी तरफ जो गृहमंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, पीएम मोदी जी आ रहे हैं, तो आखिर क्या वजह जो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गजों के?
देखिए, चुनाव की तैयारी में सभी सहभागी बनते हैं। हमारे नेताओं का मार्गदर्शन, उनका कॉम्पिटेंस, उनका जो प्लानिंग का तौर तरीका, उसका हमें फायदा मिलता है। उनकी मॉनिटरिंग में सामंजस्य बेहतर होता है, तो इसलिए वो आ रहे हैं। और देखिए, ये कोई पहला वक्त नहीं है चुनाव का, 2018 का चुनाव हो, उपचुनाव 2020 के रहे हों, उसके पूर्व में 2013 का मध्य प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन रहा हो, या 2014 में लोकसभा का इलेक्शन रहा, उसके पहले 2008 के चुनाव देख लिए, 2003 के देख लीजिए, तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहाँ बैठा करते थे, 1999 का चुनाव था मध्य प्रदेश विधानसभा का, तब तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, वो यही कैंपिंग करके रहे थे। चलिए विकास जी, देखना होगा कि इन बयानबाजियों से बीजेपी को नुकसान होता है या नहीं आगामी चुनाव में। फिलहाल आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका।